हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका जैनिक एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि फैब में आपका सिविल इंजीनियरिंग गेट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, और अगर आज से हम लोग देखते हैं तो अपने पास में करंट सिचुएशन में लगभग 7 से 8 महीने हैं। लेकिन इन 7 से 8 महीनों में किस तरीके से हम लोग गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बीच में फर्स्ट अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 7 to 8 month स्ट्रैटेजी एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा दैट नो द नीड ऑफ द एग्ज़ाम, कि आपको ये समझना होगा कि इन 7 से 8 महीनों में जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम की एक्चुअली नीड क्या है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आप उस चीज़ से समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ 65 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 3 टाइप के क्वेश्चन MCQ, MSQ और NET टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको टोटली 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, 1 और 2 मार्क्स के। साथ में MCQ वाला जो पार्ट है जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/3 की और 1/4 की देखने को मिलती है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके 1/3 और 2/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सारी चीज़ों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस 3 घंटे के पेपर में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये इस एग्ज़ाम की एक वैल्यू और इस एग्ज़ाम के लेवल को आपके सामने डिफाइन कर देता है। तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम की नीड को समझना पड़ेगा, आपको एक सही डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को अगर JEE या ESE लेवल, चाहे कोई भी हाई लेवल या लो लेवल एग्ज़ाम से कंपैरिजन करेंगे तो ये टोटली तरीके से रॉन्ग होगा। यू हैव टू नो द नीड ऑफ दैट एग्ज़ाम। सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा था, प्रिपेरेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि देखिए एक साल के लिए जब लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन जब आप इसको 7 से 8 महीने आज एग्ज़ाम में रह गए हैं तो अगर आज से आप तैयारी इसकी करना चाहते हैं तो आपको अब जो प्रिपेरेशन है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम करना पड़ेगा जो आपके पास अभी 7 से 8 महीने बचे हुए हैं। तो क्या इन एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के कि सर इस एग्जाम में क्या हम लोग 12 के 12 या 15 के 15 सब्जेक्ट को कवर करें? तो मेरा यह कहना होगा कि बहुत सारे टॉपर्स को जब आप सुनेंगे तो आप उनके बारे में यही सुनेंगे कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉप 200 में या टॉप 50 में रैंक लेकर के आते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार कुछ सब्जेक्ट को टच भी नहीं किया होता, ठीक है। लेकिन ये सर तभी लागू हो सकती है जब आपने बाकी सारे सब्जेक्ट में एकदम एक्सीलेंसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, उसका हर एक टॉपिक आपके माइंड से नहीं निकलता हो, और जो कुछ भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है उन नोट्स की एकदम क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन अगर होगा तभी जाकर आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं या फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एक साल के लिए हो चाहे आप अभी से करेंगे 7 से 8 महीने के लिए, सबसे बड़ा जो दिमाग में एक मिथ आपके में होता है वो होता है टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग काम करें। तो देखिए टेस्ट सीरीज एक्चुअली में आप तभी लगा पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, और इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो इसको 7 से 8 महीने में कवर भी करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज देना है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे काफ़ी मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट या मल्टी टैलेंटेड लोग इस वीडियो के कमेंट में बोल सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो एक ही बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टेस्ट सीरीज भी दी या फिर उन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी की। तो मैं उनको ये सब सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप ये भी देखिए कि वो कौन से कॉलेज से, उनका माइंड सेट क्या है, उनका IQ लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, या फिर किस कॉलेज से पास आउट है, किस तरीके का आपका माइंड सेट है, वो भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन देखिए जिस चीज़ को कर ही नहीं सकते हो उस चीज़ की टेंशन ही मत पालो फालतू में। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, आपको पता है कि मुझे सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, मुझे रिवीजन भी करना है, और उसके बाद में अगर आप ये टेंशन भी पाल रहे हो कि मुझे टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो वो एक बहुत बड़ा आपके सामने एक मुसीबत पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और शायद उस वजह से आपको पहले ही डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी टॉपर को सुन के कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आप ये समझिए किसी भी टॉपर के बारे में सुन के कि उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस या उसने टेस्ट सीरीज तब किया जब उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर थी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी तभी आप उनकी तरफ जो 2 स्टेप्स हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस और दूसरी चीज आपका जो टेस्ट सीरीज वाला पॉइंट है उस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर में कि कौन से टॉपिक्स इस सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ भी आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर जो पेपर है आप उसको उठा लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो बुक्स आती हैं उनमें आप ये देखिए कि जिसके जब से सबसे ज़्यादा पेजेस हैं जिस टॉपिक के, जिस चैप्टर के, उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या जिसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि पुराने सालों में किस तरीके से पेपर आपका रहा है। उसके बाद में डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड,
किसी भी सब्जेक्ट को आप ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में जब आप ग्रांट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आरसीसी को पढ़ लिया और आरसीसी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आती है, हो सकता है कुछ आज आपको आती है लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद, कुछ दिनों बाद वो सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स आपके माइंड से निकल जाए और वहीं से क्वेश्चन बन जाए। सो डोंट टेक एनी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड, उसको बहुत ही सीरियसली करिए आप, ठीक है। उसके बाद में लिखा है मेक योर ऑन स्ट्रेटजी, कि किसी की भी स्ट्रेटजी को आप कॉपी पेस्ट ना करें, उसको फॉलो करने की कोशिश ना करें, आपकी खुद की स्ट्रेटजी बताएं, बिकॉज यू नो द एबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, आप ही वो इंसान हैं जो आपके अंदर की एक्चुअलिटी को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा इज दिस कंपल्सरी टू कवर ऑल द सब्जेक्ट, क्या इस जरूरी है सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को कवर करना, तो नहीं, बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मेरे 12 सब्जेक्ट या 15 सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर मैं 4 सब्जेक्ट मेरे को टफ लगते हैं और जो इतने ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर नहीं करते, आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने वापस वही रिपीट किया पहले भी कि उसी शर्त पे कि आपको बाकी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा एक्सीलेंस हासिल हो चुकी है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दैट रियल ट्रूथ ऑफ द टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि टेस्ट सीरीज आप तभी आप ज्वाइन करें, तभी आप उसको टेस्ट सीरीज को लिखें जब आपने कॉन्सेप्ट के आपके जो नोट्स में लिखा है उसको एकदम क्लियरली आपके माइंड में बाई हर्ट आप उसको जान चुके हैं, ठीक है, तभी आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाएं। अदरवाइज जो चीज़ नहीं हो सकती उसकी टेंशन मत पालिए, बहुत सारी टेंशन ऑलरेडी आपके माइंड में पहले से होती हैं। उसके बाद लिखा है डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और आपका आइडियल टीचर है, कोई भी टीचर है या कोई भी आपका सीनियर है, कोई भी आपका फ्रेंड है, डोंट फॉलो हिम और हर ब्लाइंडली, उसको बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर सेल्फ, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप अगर उसको कॉपी कर रहे हैं डेफिनेटली यू विल फेल, क्योंकि वहाँ पे आपकी और उसकी एनर्जी कहीं भी किसी भी तरीके से मैच नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आपके हर एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने फैब से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और उनको लगा होगा कि सर 3 से 4 सब्जेक्ट तो हमारे हो चुके हैं, तो जब 3 से 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं तो हमें अभी भी टेंशन है कि हमारे एग्जाम का जो रिवीजन है या सब्जेक्ट सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए अगर बात करें सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की, तो सिलेबस अगर कंप्लीट आपने कर भी लिया तो दिसंबर में जाकर के सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए कोई भगवान आके आपको रिवाइज नहीं करा जाएगा, कोई जादू ऐसा कोई मैजिक नहीं हो जाएगा जिससे आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर स्ट्रेटजी, और मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसके बाद अगर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पढ़ते चले जाओगे तो कभी भी रिविज़न नहीं हो सकता। आप सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में उस सब्जेक्ट का प्रॉपरली एक रिवाइज करिए, पूरे सब्जेक्ट के उसके कुछ एक आप कॉन्सेप्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, जिसको हम लोग बुलेटिन नोट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो बनाइए, आप उनको भी फॉलो कीजिए, उनको आप किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाइए उनको, उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप क्वेश्चन को लगाइए, वो एक सही तरीका है। और बीच बीच में आप हर एक यानी कि मंथ में अगर आपने 3 सब्जेक्ट किए तो तीनों को ही आप प्रॉपरली रिवाइज करने की कोशिश कीजिए उसी मंथ में, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप अगर ऐसा करोगे कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि दिसंबर में कोई जादू हो जाएगा रिवाइज करने का, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जेनिक आप लोगों को फ्री में प्रिपेरेशन करा रहा है सब्जेक्ट्स की, वो भी यूट्यूब पर, और क्लासेज आपकी मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं और नाइट तक आपकी क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम लोग आपके लिए 7 to 8 मंथ स्ट्रेटजिकल वे में एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं, और उसके लिए आप वेट कर रहे होंगे ईगरली, तो उसको भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। बट ये जो पॉइंट है आप इनको ध्यान रखें, चाहे फाइव से भी स्टार्ट कर चुके अपनी प्रिपरेशन, फिर भी मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि आप भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करिए, कि आप रिविजन साथ साथ करते हुए चलिए, और उसके बाद में अगर टाइम, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प में टेस्ट सीरीज मत लगाइए, बस मैं उनके लिए कहूँगा कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है वो फालतू में टेंशन मत पालो, क्योंकि उससे और डिमोटिवेशन मिलेगा। तो डिमोटिवेशन ना मिले इस वजह से सब्जेक्ट जो पढ़ रखे हैं उनमें एकदम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और उनमें रिवीजन करते रहिए, एक्सीलेंटली जब आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको अगर 7 से 8 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इस एग्ज़ाम की सिर्फ तैयारी करनी है बढ़िया एक रिग्रेसली वे में, या फिर आपको एक बहुत ही एक्सीलेंट वे में आपको तैयारी करनी है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी। मैंने आपको कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर करने के लिए चीज़ें बताई हैं आपको, और कोशिश की है कि आपके मिथ्स जो हैं, आपके माइंड में कुछ भी ऐसे डाउट्स चल रहे हैं तो उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं उनसे। और अगर कुछ भी आपको और भी डाउट है, आपको लगता है कि सर ये ऑर्डर हमें लगता है, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ज़रूर वहाँ पर कॉन्टैक्ट करूँगा, ज़रूर उस जगह पर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट।